नमस्कार दोस्तों, एनसी फैशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ छोटे बच्चे का पैंट कटिंग कैसे करें। बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ, वीडियो को इंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन ऐसी मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट। 30 इंच कमर, 25 इंच हिप, 30 इंच लटक, 20 इंच अजांग, 19.5 इंच और घुटना 14.5 इंच और मोहरी 12.5 इंच। इस नाप के अनुसार से हम आपको छोटे बच्चे का पैंट का कटिंग करना बताएंगे एकदम सरल तरीके से। चलिए दोस्तों, पैंट का कटिंग है तो 1 मीटर में हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से खोलना है। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का है ये उल्टा कपड़ा है, ये जो अंदर का है ये सीधा कपड़ा है। आप जब भी कटिंग करें तो अंदर का सीधा रहना चाहिए, ऊपर का उल्टा रहना चाहिए। इसके बाद हमारा लंबाई है 30 इंच, तो ऊपर से हम 1 इंच माइनस करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम 30 इंच पे निशान उठा लेते हैं, 16.5 इंच पे हम घुटने का लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं, और जो हमारा लटक होता है तो हम इंच में नाप लिए हैं तो उसको सेंटीमीटर करके कटिंग करेंगे। तो हमारा लटक है 20 इंच, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर पे हम मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अभी सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप 2 इंच का मार्जिन दे दें। अभी देखिए, यहाँ से हम 1.25 इंच छोड़ के ही एक निशान उठा लेते हैं। अभी देखिए, हमारा जांग है 19.5 इंच, माइनस 1 इंच करेंगे तो हमारा होगा 18.5 इंच, उसका हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। यहाँ से आपको 9.25 इंच पे रख लेना है, इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद 9.25 का आधा हम करेंगे तो हमारा आएगा 4.5 इंच, 1 सूत। ये हमारा सेंटर का मार्किंग हो गया। आप जब भी कटिंग करें तो सेंटर से ही कटिंग करें, सेंटर से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट एकदम पैंट कटिंग होगा। तो यहाँ से देखिए, सेंटर हमारा आ रहा है 6.5 में 1 सूत कम आ रहा है, तो सब जगह से हम 6.5 इंच में 1 सूत कम करके मार्किंग कर लेते हैं। अभी देखिए, घुटना 14.5 इंच है, डिवाइड हम 2 का करेंगे तो हमारा आएगा 7.25 इंच, 7.25 का आधा हम करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच, 1 सूत आएगा। तो सेंटर पे आप 3.5 इंच 1 सूत जो है इस सेंटर पे रख के यहाँ पे 7.25 पे निशान उठा लें। अब मोहरी 12.25 इंच है, डिवाइड हम 2 का करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच में 1 सूत कम आएगा, उसका हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 3 में 1 सूत कम आएगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लें। अभी सभी निशानों को हम सेव पट्टी से सेव दे देते हैं। ये देखिए, हमारा राउंड सेव पट्टी है और ये सीधा सेव पट्टी है। आपको कहाँ यूज करना है सेव पट्टी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जहाँ जहाँ यूज होगा सब जगह बताएंगे। तो यहाँ से आपको सेव दे देना है इस तरीके से, और ये जो इस तरीके से रखे हैं हम इसको स्केल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से आपको इस तरीके से ले लेना है। अभी देखिए, यहाँ का जो है हम आप सीधा पट्टी भी रख सकते हैं, इसमें भी जो राउंड शेप है इसमें भी सीधा पट्टी लास्ट में है, तो यही फिट हम इसमें भी यूज कर लेंगे इस तरीके से। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ का जो है हमारा हिप का है, साइड का है, तो इसको हम इस तरीके से पहले ही शेप दे दें हिप का। इसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच आगे का डाउन करेंगे। आप जब भी पैंट कटिंग करें तो डाउन करके ही कटिंग करें, परफेक्ट फिटिंग बैठता है। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर लें सेव पट्टी से। अभी देखिए, कमर आपको बताया था 25 इंच, तो यहाँ से आपको ये जो मार्किंग किया हुआ है यहाँ से आपको 25 इंच का डिवाइड 4 का करेंगे हम, तो हमारा आएगा 6 इंच, 2 सूत आएगा। यहाँ पे 6 इंच 2 सूत पे रख के इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन दे देंगे, हमारा 0.5 इंच यहाँ पे हो जाएगा, 0.5 इंच यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम
डेढ़ इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पे हम शेप दे दें एकदम अच्छे से इस तरीके से। फ्लाई चैन फ्लाई रहता है तो यहाँ तक जहाँ से हमारा राउंडिंग घूम हो गया है वहाँ तक रहेगा। और यहाँ पे जो हम पॉकेट लगाएंगे तो यहाँ से हम डेढ़ इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे 6 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। ये छोटे बच्चे का है इसलिए थोड़ा हिसाब से रखना पड़ता है पॉकेट। और यहाँ से मिला लें इस तरीके से। देखिए दोस्तों आगे का हम मार्किंग कर चुके हैं, अभी कटिंग कर लेते हैं। जहां से हमारा मोड़ी फोल्डिंग होगा यहाँ पे चैन फ्लाई रहेगा यहाँ से, तो यहाँ पे भी कुटका लगा लें और ये हमारा पॉकेट का कुटका लगा लें साइड का। देखिए दोस्तों हम आगे का कटिंग कर चुके हैं, अभी बैक कटिंग कर लेते हैं। यहां से हम निकाले थे फ्रंट अपना, तो कपड़े को इस तरीके से घुमा लेना है। अभी फ्रंट जो पार्ट है हम इस तरीके से रख लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। अभी आपको सेंटर से कटिंग किए हैं तो सेंटर को नाप कैसे लेते हैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से आपको यहाँ पे देखिए 14 इंच में एक सूत कम है, तो सब जगह से 14 इंच में एक सूत कम रहना चाहिए। हमारा सेंटर एकदम परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच ऊपर के लिए मार्किंग उठा कर लेते हैं। इस तरीके से अभी कमर था 25 इंच, डिवाइड हम 4 का करेंगे तो हमारा आएगा 1.25 इंच, तो यहाँ पे 0.5 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लें बाहर जो हमारा अंदर के लिए मार्जिंग रहेगा। इसके बाद 1.25 इंच यहाँ पे रख के हम 0.25 इंच का डॉट के लिए मार्किंग छोड़ देते हैं और इसके बाद 2 इंच का हम मार्जिंग छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये दोनों तरफ से 0.5 इंच छोड़ के यहाँ पे इधर से भी 0.5 इंच छोड़ना है, इधर से भी 0.5 इंच छोड़ना है। इसके बाद 7 इंच में एक सूत कम है तो हमारा हिप है 30 इंच, डिवाइड हम 2 का करेंगे तो हमारा आएगा 15 इंच, तो आपको यहाँ से 15 इंच भी इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे निशान उठा लें इस तरीके से। अभी ये निशानों को हमें निशान से मिला लेते हैं इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे अंदाज से नहीं रखना है आपको, आप कैसे रखना है आपको बता देता हूँ। हमारा जांग था 1.5 इंच, तो आपको 0.5 इंच इधर से 0.5 इंच इधर से दोनों तरफ से छोड़ देना है। देखिए दोस्तों हम यहाँ से सब कटिंग करके तैयार कर चुके हैं, तो आपको हम समझा देते हैं हम किस तरीके से बैक कटिंग किए हैं। तो हमारा जांग था 1.5 इंच, ये दोनों तरफ से हम 0.5 इंच छोड़ के इसके बाद यहाँ से नाप ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है 0.9 इंच, 0.9 इंच इस तरीके से रख लेंगे। हमारा जांग था 1.5 इंच, 0.5 इंच छोड़ के यहाँ पे देखिए 1.5 इंच है हमारा जांग, इस तरीके से हम रख लिए हैं, 0.5 इंच का मार्जिंग दिए हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिंग रहेगा। हमारा घुटना था 14.5 इंच, दोनों तरफ से 0.5 इंच छोड़ के इस तरीके से हमारा आ रहा है 6.5 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो 6.5 इंच में एक सूत कम है तो इस पर हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। और इसके बाद हमारा घुटना था 14.5 इंच, 0.5 इंच छोड़ के यहाँ पे रख लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 14.5 इंच आ रहा है, 0.5 इंच का मार्जिन रखे हम। हमारा ये अभी देखिए हमारा मोड़ी था 12.5 इंच, तो हम दोनों तरफ से 0.5 इंच छोड़ देंगे इस तरीके से रखेंगे हम। तो हमारा आ रहा है 5 इंच एक सूत आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम पकड़ लेंगे।
हमारा 12.5 इंच मड़ी था, इस तरीके से देखिए यहाँ पे रख लिए हम 1/2 इंच का माही भी। दोस्तों आपको इस तरीके से कटिंग करना है। इसके बाद हमारा लटक जो था वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आया है। 3 इंच का बेल्ट है, 1.5-1.5 इंच रहेगा दोनों तरफ से। इस तरीके से आपको रख लेना है यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के, इसको इस तरीके से इंची टेप को घुमाना है। यहाँ पे देखिए हमारा 12.5 इंच आ रहा है, तो 12.5 इंच पे इस तरीके से रख लेंगे हम, और यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के इसके बाद नाप लेते हैं। हमारा लटक था 20 इंच, तो देखिए यहाँ पे 20 इंच आ रहा है, 1/2 इंच मालूम हो जाएगा। दोस्तों हम कटिंग पूरा कर चुके हैं, इसके बाद हम पॉकेट भी यहाँ पे देखिए हम पॉकेट भी निकाल चुके हैं, तो आपको हम पॉकेट भी दिखा देता हूँ किस तरीके से निकला हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरीके से रख लेना है, यहाँ पे देखिए पॉकेट को इस तरीके से कपड़े को रख लेना है। इसके बाद यहाँ से ऐसा नाप के कटिंग कर लेना है, 10.5 इंच का लंबाई का पॉकेट रहेगा, आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए हम लूप भी कटिंग कर लिए हैं, यहाँ पे जो हम बेल्ट में लूप लगाते हैं उसको भी कटिंग कर लिए हैं। इसमें हम 6 लूप बना लेंगे। और इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा कपड़ा है, और इसमें जो कपड़ा बचा है इसमें हम बेल्ट चिपका लेंगे। और ये जो हमारा है यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है इसमें हम फ्लाई बना लेंगे। ये कपड़ा निकाल लिया हूँ, और ये जो है ये साइड पॉकेट है, जो पल्टी करेंगे हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए कपड़ा है। और ये जो कपड़ा है ये हम बेल्ट का जब चिपकाते हैं फोल्ड करेंगे बेल्ट में उसके लिए कपड़ा है। दोस्तों हमारा कटिंग पूरा हो चुका है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन ऐसी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए शुक्रिया।